आज भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं करेले की भुजिया की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होगी। और इस तरह से आप लोग बनाओगे ना करेले की भुजिया, तो बिल्कुल भी तीखा नहीं होगा। और जो बच्चे करेले नहीं खाते हैं ना, वो भी करेले के दीवाने हो जाएंगे, इतना टेस्टी और स्वादिष्ट बन के रेडी होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि करेले को धो लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सीधे करेले को धो लिया है और यहाँ पर हमने उसे एकदम बारीक पतला पतला सा कट कर लिया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एकदम ऐसे ही बारीक पतला पतला सा कट कर लेना है और इसे एक थाली में थोड़ा सा फैला लेना है। तो देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फैला लिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पे हम आधे चम्मच नमक ऐड कर ले रहे हैं और यहीं पे हम डाल देंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर और दोनों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और ऐसे नमक और हल्दी में आप छोड़ दोगे ना इसे कम से कम आधे घंटे के लिए, तो ये पानी जब छोड़ देगा ना तो बहुत ही अच्छी इसकी स्वादिष्ट सब्जी बन के रेडी होगी और बिल्कुल भी ये तीखापन नहीं रहेगा। बहुत लोग ऐसे करेले तीखापन की वजह से नहीं खाते हैं, तो जो नहीं खाते हैं वो भी पसंद करने लगेंगे, इतनी स्वादिष्ट बन के रेडी होगा। तो हमने उसे आधे घंटे के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पर हम ले लेते हैं दो प्याज, तो हमारा करीबन वो 300 ग्राम तक करेला होगा और उसमें हमने दो प्याज ऐड कर लिया है, तो उसे भी हम पतला पतला सा कट कर लिए हैं। और हमने यहाँ पर दो हरी मिर्च और लहसुन ले लिया है और उसे भी हम बारीक कट कर लिए हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा 30 मिनट हो चुका है और हम इसमें से सारा इसका पानी निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कि हाथ से निचोड़ निचोड़ के ना इसका सारे पानी निकाल लेना है। तो आप ऐसे कर लोगे ना तो बिल्कुल भी ये कड़वापन नहीं लगेगा, जो भी करेला नहीं खाता है वो भी खाने लगेगा। तो यहाँ पर हमने हाथ से ना सारे करेले को एकदम अच्छे से, आप जितना आपके पास ताकत हो ना सारी ताकत लगा करके ये करेले को अच्छे से दबा दबा के सारे पानी को निकाल लेना है। इसमें थोड़ा भी ये कड़वापन नहीं आएगा, एकदम टेस्टी और स्वादिष्ट बन के ये करेले की भुजिया रेडी होगी फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे सारे पानी को निकाल लिया है और करेले को अब हम क्या करते हैं साइड में रख देते हैं और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने रख दिया है कढ़ाई और कढ़ाई में हमने करीब 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देंगे। तो ये हमारा सरसों का तेल है और सरसों के तेल में ही आप करेले की भुजिया बनाइए। तो यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है, उसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच जीरा और जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो इसमें हम डाल देंगे ये लहसुन और हरी मिर्च जो बारीक कटी हुई है और इसे भी हम अच्छे से चटकने देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसे एक बार से चला लेना है ताकि अच्छे से पूरे हरी मिर्च और लहसुन चटक जाए। और अब हम क्या करेंगे ना कि यहीं पे करेले को डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पे हम क्या करेंगे कि 2 से 3 मिनट के लिए पहले छोड़ देंगे। तो ऐसे चला देना है, उसे ढकना नहीं है। तो हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अब यहीं पे हम क्या करेंगे ना कि जब ऐसे छोड़ देंगे आप 2 से 3 मिनट के लिए, तो देख सकते हैं कि बिल्कुल भी पानी एकदम सूख लिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि हाई फ्लेम पे फिर 10 मिनट के लिए ऐसे पकाएंगे। तकरीबन ये जब 50% पक जाए करेला हमारा ना, तो देख सकते हैं कि 50% तक ये करेला हमारा पक चुका है, भून गया है एकदम अच्छे से। तो यहीं पर हम क्या करेंगे कि प्याज ऐड कर लेंगे और हम इसे भी अब अच्छे से चला लेंगे। इसे क्या होता है ना कि करेले में बिल्कुल भी तीखापन नहीं आएगा और बिल्कुल भी ये कड़वा नहीं लगेगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। ऐसे आप लोग अगर करेला बनाओगे तो अब इसी पे हम क्या करेंगे ना कि मीडियम कर देंगे फ्लेम को और ढक देंगे यहाँ पर। और यहाँ पर 2 से 3 मिनट हमारा हो चुका है और अब हम प्लेट को हटा लेते हैं और इससे एक बार हम फिर से चला लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे अभी ढकना नहीं है, ऐसे छोड़ देना है। और यहीं पे हम डाल देंगे थोड़ी सी नमक, जैसे नमक हमने पहले से ऐड किया था बट उसका हमने सारा पानी निकाल लिया था, तो नमक बाहर निकल गया है। तब हम फिर से इसमें नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे और साथ में डालेंगे हल्दी पाउडर। इसमें हम कोई भी मसाला नहीं ऐड करेंगे। तो ये करेले की भुजिया मैं बना रही हूँ बिना मसाले के, जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के रेडी होगा फ्रेंड्स। तो एक कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे हाई फ्लेम पे ही पकाना है।
और इसे ढकना नहीं है, खोल के इसे पकाना है। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुका है और उसे हम ढक दिए, और फिर इसे एक बार और चला लेना है। देख सकते हैं कि मेरी करेली भुजिया कितनी अच्छी और स्वादिष्ट बन के रेडी हो रहा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे चैनल अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और यहाँ पे हमारा करेले की भुजिया बन के रेडी हो चुका है, तो आप इस तरह से बनाइए और खाइए और इन्जॉय करिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये करेला बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बन के रेडी होगा, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा बनाने का और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।